गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जीनोम परियोजना। तो जीनोम परियोजना में आपने जाना कि जीनोम परियोजना क्या है, और हमने कल जीनोम आपके परियोजना के अनुप्रयोग भी बताए थे। आज उसी के साथ जीनोम के आगे का भाग है जिसका नाम है डीएनए अंगुली छाप या फिंगर प्रिंटिंग। तो हेडिंग डाल लीजिए डीएनए अंगुली या फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए छाप या फिंगर प्रिंटिंग इसे हम कहेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है। जानते हैं आप कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है? आपने सीरियल्स देखे होंगे या फिल्म देखी होगी, तो उसमें कोई अपराधी होता है या किसी ने किसी का खून कर दिया, तो चाकू पर उसके निशान पाए गए या पास में रखा गिलास या कोई वस्तु मिली जिस पर उंगलियों के निशान पाए गए, तो उन उंगलियों के निशान का इस पर जाता है, प्रिंट्स जाते हैं, और जिस पे पुलिस को संदेह होता है उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स ये हैं, ये फिंगरप्रिंट्स हैं, इस तरीके से आप देखते हो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आ गए। और आपने देखा होगा कि आधार कार्ड जो सभी लोगों का बन रहा है उसमें फिंगरप्रिंट्स का ही उपयोग हुआ है। कहीं कोई व्यक्ति जाता है, उसे आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, वह नहीं लिए है, कंप्यूटर पर जाता है, स्क्रीन पर अपने उंगलियों की छाप छोड़ता है, और जो उसका नाम पता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी लिखा होता है, कंप्यूटर उसे तुरंत लेता है और उसे उसका आधार कार्ड तुरंत प्रोवाइड करा देता है और सारी सूचनाएं भी प्रोवाइड से करा देते। तो इस फिंगरप्रिंट से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अपराधियों को पकड़ना। अब तो प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक मनुष्य का फिंगरप्रिंट्स लिया गया है और आधार कार्ड बनाया गया है, इससे बहुत सुविधा भी हो गई है अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ। यदि कोई व्यक्ति, बच्चा कोई खो जाता है और वह किसी कारणवश अपना एड्रेस नहीं बता पाता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्सों के द्वारा भी उसकी सूचना ज्ञात की जा सकती है कि उसका नाम क्या है, वह कहां से आया है और उसका पता क्या है। क्योंकि अगर उसका आधार कार्ड बना होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स सारे उसमें मौजूद होंगे। तो यही होती है अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट। आज हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है कि तरह तरह की खोजें हो रही हैं। तो हम आपको यही बता रहे हैं, तो लिखिए, आपने हेडिंग डाली होगी फिंगर प्रिंटिंग, तो है क्या ये जान लीजिए। गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स जीवों के लक्षणों के निर्धारण के साथ साथ गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स जीवों के लक्षणों के निर्धारण के साथ साथ तो फिंगरप्रिंट में गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स जीवों के लक्षणों के निर्धारण के साथ साथ लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं। जो अधिकांश जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है, जीवों में जनकीय जीन्स की वंशागति होती है, जीवों में जनकीय जीन्स की वंशागति होती है
लेकिन फिर भी जीव अपने जनकों से बहुत भिन्न होते हैं, जनकों से बहुत भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी जीवों में मात्र एवं पिता जीन्स का मात्र एवं पितृ जीन्स का पुनर्योजन होता है। हम लोग यही बैठो कि तुम्हें लोगों को पढ़ाएंगे। पुनर्योजन होता है। कोशिकाएं विभाजन के दौरान कोशिकीय विभाजन के दौरान होने वाले उत्परिवर्तनों के कारण भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इन सभी कारकों के कारण प्रत्येक जीव के जीन्स की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है जो उसकी फिंगरप्रिंट कहलाती है। फिंगरप्रिंट्स द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो अगली लाइन से लिखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। तो आपने देखा कि ये व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर दूसरा व्यक्ति यानी कि एक पिता की 5 संतानें हैं, अगर पांचों संतानों के फिंगरप्रिंट्स किए जाएं तो पांचों संतानों के फिंगरप्रिंट्स जो होंगे वो भिन्न होंगे और उसके पिता के भी जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो भी भिन्न होंगे। सिर्फ सेम क्या होगी, उनके डीएनए सेम होंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, भिन्न होगी। यहाँ तक कि हो सकता है कि उनमें रक्त हो वो भी उनसे भिन्न हो। तो क्या लिखा कि डीएनए वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भिन्न होता है। फिंगरप्रिंटिंग के विपरीत जो उंगलियों के छोरों पर उपस्थित होते हैं जिसे शल्य क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए इसे क्या है, ऑपरेशन विधि द्वारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका ऊतक व अंग के लिए कोशिका ऊतक व अंग के लिए समान होती है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता अगली लाइन से लिखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इस तकनीक में व्यक्ति के रुधिर कौमा त्वचा कौमा वीर अस्थि आदि के नमूने से भी डीएनए का विश्लेषण किया जा सकता है और सही अपराधी का पता लगाया जा सकता। अब देखिए, जैसे किसी की गलियां कट गई तो उसमें फिंगरप्रिंटिंग नहीं है, लेकिन कई तरीके हैं इसे ज्ञात करने के लिए। जैसे क्या है, त्वचा है, उसकी स्किन के आधार पर पता लगाया जा सकता है, उसके स्पर्मों से पता लगाया जा सकता है, उसके रुधिर से पता लगाया जा सकता है। तो ये था आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हेडिंग डालिए आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत लिखेंगे। डीएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की पहचान पर आधारित होती है। मानव जीनोम में लगभग 3×10⁻⁹ क्षारक जोड़ियां उपस्थित होती हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को विशिष्टता प्रदान करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स समान होते हैं। केवल कुछ सूक्ष्म अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं। अब हम डालेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की क्रियाविधि, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की क्रिया
थ्री डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया विधि लिखेंगे। यह विधि निम्नलिखित चार चरणों में होती है। यह विधि निम्नलिखित चार चरणों में होती है। नंबर एक डीएनए का पृथक्करण, नंबर एक डीएनए का पृथक्करण, नंबर एक डीएनए का पृथक्करण, लिखेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हेतु, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हेतु डीएनए का नमूना श्वेत कणिकाओं, डीएनए का नमूना श्वेत कणिकाओं कॉमा स्पर्मेटोजोआ कॉमा स्पर्मेटोजोआ कॉमा वीर कॉमा योनिद्रव कॉमा योनिद्रव कॉमा बाल की जड़ों तथा कॉमा बाल की जड़ों तथा कंकाल आदि से पृथक, बाल की जड़ों तथा कंकाल आदि से पृथक किया जाता है, आदि से पृथक किया जाता है। डीएनए के रज्जुक में, डीएनए के रज्जुक में कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं, जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। इसी कारण डीएनए एक दूसरे से भिन्न होता है, इसी कारण डीएनए एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये था डीएनए का पृथक्करण। और दूसरी हेडिंग डालेंगे डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन, डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन। दूसरी हेडिंग डालिए डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन, डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन लिखेंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से देखिए खंडन किस प्रकार से होगा। प्रतिबंधन न्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे भागों में, डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। इन खंडों में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। इन्हें वी एन टी आर एस कहा जाता है, इन्हें वी एन टी आर एस यानी कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। अगली इसकी हेडिंग है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी है जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस। डीएनए के खंडों को लिखेंगे, डीएनए के खंडों को एग्रोस जेल में रखकर, डीएनए के खंडों को एग्रोस जेल में रखकर
विद्युत धारा प्रवाहित करके पृथक किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिससे डीएनए के छोटे खंड बड़े खंड से अलग हो जाते हैं अगली हेडिंग है एक रज्जु की डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण। एक रज्जु की झिल्ली का डीएनए स्थानांतरण लिखेंगे। डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित करके यह प्रक्रिया सर्दन ब्लांटिंग कहलाती है। इससे डीएनए का ऑटो रेडियोग्राफ प्राप्त किया जा सकता है अगली पांचवी हेडिंग डालेंगे रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ बांधना। इसमें लिखेंगे एक सूत्रीय डीएनए को विशेष रूप से निर्मित किए गए रेडियोधर्मिता से चिन्हित एक सूत्री डीएनए जिसे प्रोब कहते हैं उससे मिला दिया जाता है ये प्रोब डीएनए के विशिष्ट खंडों के साथ जुड़ जाते हैं तो ये थे आपके रेडियो के प्रोब के साथ बांधना। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है इसके फिंगरप्रिंट की। हम आपको कल इसका डायग्राम बताकर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए सब आप नोट कर लीजिए।